बिग बॉस में भी गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्चुअली. बिग बॉस में जब लोग कंटेस्टेंट बन के जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अलग प्रेशराइज सिचुएशन होती है. मेरा वहाँ पे मैं वही कर रहा था जो मैं रोडीज और स्प्लिट्सविला अलग अलग अपने शोज पे करता हूँ. एंड वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी, वायाकॉम के ही है एमटीवी कलर्स. तो वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि तुम अपने तरीके से एक टास्क करो. और जब टास्क में वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मेरा घर है यार, ये मतलब दिस इज़ व्हाट आई डू. और मैं बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था. ऑफकोर्स उसके बाद सलमान भाई के साथ मौका मिला इंटरेक्ट करने का, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का. हम हमेशा वही बातें करते हैं जब हमने टाइम स्पेंड किया था एक साथ. तो इट वॉज़ ग्रेट. एंड आई थिंक सबको एक यूनिक चीज़ दिखी वहाँ पे कि हम इंडिया के लिए कुछ एक अतरंगी चीज़ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम अपना झंडा लहरा के बोल रहे हैं कि सब पेट्रियाटिक बन जाओ, पर सबको ऐसा लगा कि हाँ यार हम लोग आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं कि ये रोल, ये बर्गर, ये फ्राइज, भूख लग रही है. अपना भी इंडिया में कुछ होना चाहिए, एक इमोटिकॉन जिससे हम जो रिप्रेजेंट करें वर्ल्ड में. मतलब वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर बैठा होगा नॉर्वे में भी, उसको भी ऐसा दिखेगा ये क्या चीज़ है, ये इंडिया का खाना है. तो यू नो इट्स दैट. तो इट वॉज़ गुड मैन, मज़ा आया बहुत वहाँ पे. लोग उनको ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा छेड़ने की, वो पहले से छेड़े हुए हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए. भाई इसके अलावा प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? मैं प्रोफेशनल फ्रंट कुछ नहीं चल रहा है यार, सब बड़ा मुश्किल हो रहा है. मैन टू मैन वी आर मेकिंग फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग फैमिली फॉर नॉट नहीं अलग जो मेरा का ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा काम के बारे में बात करें ना उतना कम होता है, क्योंकि जब कोई काम करते हैं तो वो दिख जाता है. अगर मैं आज बोलूँ कि अभी स्प्लिट्सविला चल रहा है तो वो आप खुद ही बोल रहे हैं हाँ चल रहा है, अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा. रोडीज आने वाला है तो उसके जैसे ही वो अपने आप मार्केटिंग शुरू हो जाएगी तो आपको पता लगेगा. अगर इंसान बोलता ना हाँ चार फिल्में हैं वो बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो एक्चुअली ज़्यादातर हो नहीं रहा होता है. या ऐसा कुछ होता है तो वो डायरेक्टर को पहले खबर पहुँच जाती है और वो कहता है कि इसको नहीं लेंगे, बातें ज़्यादा करता है. तो बट फिलहाल जो दो तीन चीज़ें मैं जिनकी बात कर सकता हूँ कि अभी स्प्लिट्सविला चल रहा है, रोडीज होने वाला है, होपफुली वो इस बारी मेरे को दोबारा ले लेंगे अगर उनके मन में हो. उसके अलावा मैंने पिछले साल एक वेब सीरीज़ की थी, उसका सेकंड सीज़न शूट हो गया है, वो व्यू क्लिप के लिए था. एंड ऐसे ही स्पोर्ट्स लीग है एक मैंने शुरू किया है बास्केटबॉल का, उसका फिनाले सैटरडे संडे को बॉम्बे में है. तो अगर आप लोग आके देखना चाहें, हम स्पोर्ट्स को बहुत मैं सपोर्ट करता हूँ और ऐसे स्पोर्ट्स को जिनको और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है इंडिया में. क्रिकेट को क्या ज़रूरत नहीं है, तो क्रिकेट हम सब इन्जॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे बास्केटबॉल, तो उसके लिए हमने लीग किया है. काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री से जिन्होंने उसमें टीम्स खरीदे हैं, सिमरन कौर मुंडी, मेलविन लुइस, ईशा गुप्ता, गुरसिमरन खम्बा, ये सब लोग वहाँ पर हैं अपने अपने टीम्स के, और उनकी टीम्स अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आपस में लड़ रहे हैं. तो सैटरडे संडे बहुत मज़ा आएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और टच वुड अच्छा चल रहा है.